देश बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है, संविधान खतरे में है, किसान मजदूर हालात उसके बयान नहीं हो सकते, बेकारी और बेरोजगारी पूरे देश में, आज नौजवान बेबसी का घर में भी और बाहर भी, लोकतंत्र खतरे में है, बोली खतरे में है, ये संविधान आइन जिसके लिए इतनी कुर्बानियां हुई, एक किताब और संविधान है जिसमें 135 करोड़ लोगों की सड़क, पानी, बिजली, खेत खलियान, इज्जत मान सम्मान, ये आईन और संविधान में 125 करोड़ जो जिंदा हैं उनकी हर तरह की एक ही किताब है। इतनी कुर्बानी के बाद ये हमारे हाथ और हमारे पुरखों ने हमारे सौंपी है, आज ये खतरे में है। यहां जो आए हुए नौजवान किसान मजदूर साथियों, भारत में आज आपातकाल नहीं है, अघोषित आपातकाल है। एक दिखता था, ये दिखता नहीं है। अभी तेजस्वी जी वहां बोल रहे थे, ठीक कह रहे थे वो, हालात बहुत गंभीर हैं। हम जो रैली कर रहे हैं ये सिर्फ ये जो लोग हैं एनडीए के, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन्हें जो इन्होंने किया है 70 बरस में कभी नहीं हुआ, इनको रुखसत करना है, इनको सरकाना है, इन्हें हटाना है और चारों तरफ खेत खलियान जगाना है और भारत के संविधान को बचाना है। आज हर नौजवान किसान मजदूर ये जान ले, चारों तरफ विरोधी दल के नेताओं को जेल के अंदर, सीबीआई, इनकम टैक्स, आरबीआई, सारी संस्थाएं आज पूरी तरह बर्बाद की जा रही है। इतनी कुर्बानी के बाद भारत का लोकतंत्र जो है आप और हमारे हाथ में आया है। ये बैलेट पेपर, ये वोट 19 के बाद खतरे में है सबसे ज्यादा। आज इतने नेता आपके पास आए हैं, आपके पास बैलेट पेपर है, जनता के पास और भारत के संविधान में, आईन में जनता मालिक है, वो मालिकियत खतरे में है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतने कहूंगा, कल उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर यहां डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था, यहां की सरकार यही अगस्त 15 में यही जुलूस था, जीत का जुलूस था, जश्न था, महागठबंधन की सरकार बनी थी। हमारे कुछ मित्र जो हैं वो 11 करोड़ लोगों के साथ जो वादा हुआ था उसे कुचल करके, उसे विश्वास को तबाह करके, पलटी मार करके, ये वहां जो विरोध में बैठने के लिए जिनको कहा था उनके साथ मिलने का काम किए। लोकतंत्र में जनता मालिक है, 11 करोड़ लोगों का जो जनादेश था उसे जिन लोगों ने बदला है उन्हें बदलना है, यही नहीं बदलना है। ये एनडीए के सरकार 24 घंटे लिंचिंग कर रही है, दंगे फसाद कराना चाहती है, मंदिर मस्जिद के नाम पर ये चारों तरफ देश में ये नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट हमारे साथ और ताकत के साथ जुड़ना चाहिए, आज वहां तबाही मची हुई है। उस दौर में आज जो रैली यहां हो रही है और उस रैली में
राहुल जी आए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं आज कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी की पार्टी है। आजादी खतरे में है, संविधान खतरे में है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इतिहास ने कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के सर पर डाली है। जो सारे विरोधी दल के लोग हैं, मैं उनसे भी विनती करना चाहता हूं, देश संकट में है, देश की हर चीज, हर संस्कृति, हर सजीव बर्बादी के कगार पर है। इसलिए सब लोग मिलकर के इस सरकार को एक वोट भी नहीं देना चाहिए। इसको दय जाए दय यानी पूरा तरह से अब तो ठप्पा नहीं लगता, दय बटन दय बटन दय बटन लस्ट पस्त कर देना है और इन्हें बाहर निकालने का काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।